हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है मेरे पास प्रिया का। ये कहती हैं, लव गुरु जी, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, मेरी शादी भी उसके साथ हो गई। दोनों लोगों के परिवार वालों ने मिलकर लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना दी। इससे हम दोनों खुश तो बहुत हैं और समाज में जो उन्होंने हमें जगह दी है और हमारे प्यार को जो स्वीकार किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनका सम्मान और भी ज़्यादा करने लगे। लेकिन मेरी जिससे शादी हुई है, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, वो अचानक बदल सा गया है। शादी के बाद अपने घर में लड़ाई झगड़ा अलग रहने की बात करने लगा। मैं क्या करूं? ऐसे उसके करने से और बदल जाने से परिवार वाले तो मुझे ही दोषी समझेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रिया जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है, क्योंकि लड़के जो भी करते हैं उसका दोष सिर्फ लड़की पर ही आता है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, टेंशन मत लीजिए। पहले तो अपने पति को समझाइए कि वो ऐसा ना करें। अगर उनको अलग ही रहना है, नहीं साथ में रहना है, तो खुशी खुशी अलग हो जाओ। और परिवार वालों से लड़ झगड़ कर या और कुछ करके आपको बुराई देना, ये ठीक नहीं है। लेकिन आप अपने व्यवहार को बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल रखो जैसे आप थीं। अगर आपका पति घर वालों से लड़ता है तो आप उसमें बीच में मत बोलिए और ना ही घर वालों से कोई मनमुटाव रखिए। आप उसी तरह से अपना रिश्ता बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि घर वाले समझेंगे नहीं। आप अलग भी हो जाओगे पति के साथ तो भी वो आपको वही इज्जत वही सम्मान देंगे, अगर आप अपने रवैये या अपने नेचर में बदलाव नहीं लाओगे। थैंक यू, आपने इतना अच्छा सोचा, मुझे खुशी हुई आपकी सोच से, अच्छा लगा। आज का दूसरा सवाल है कमल का। ये कहते हैं, मैं एक लड़की से बहुत पहले से प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी और लड़की वाले जिससे मैं प्यार करता था, उनके गार्जियन ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। लेकिन संयोग की बात, हम दोनों की शादियां हुई नहीं, वो रिश्ते टूट गए। फिर हमें एक बार मौका मिला एक साथ होने का और समाज के बीच अपनी दोस्ती अपने प्यार को एक रिश्ता देने का। लेकिन अब बात यह है कि पहल कौन करे? मैं अपने घर वालों से कैसे कहूँ कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कहीं उनके मन में ये ना आए कि शायद उनका लगाया हुआ रिश्ता जो खत्म हो गया, टूट गया, मेरी वजह से ही ना टूटा हो, मैंने ही कुछ ऐसा ना किया हो जो वो रिश्ता टूट गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने रिश्ते की, अपने प्यार की बात अपने घर वालों से कैसे कहूँ। कमल जी, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप किसी से प्यार करते हो तो रिश्ता तय होने से पहले ही इस बात को आपको अपने घर वालों से शेयर करनी चाहिए थी। उनसे अपने प्यार की बात बताकर कहना चाहिए था कि आप उससे शादी करना चाहते हो, किसी से प्यार करते हो। खैर, आपके प्यार को एक वक्त एक टाइम और मिल गया है, एक मौका मिला है। अपनी गलतियों को सुधारिए और घर वाले के बीच अपनी बात खुलकर रखिए। और रिश्ता तो टूट ही गया है तो क्यों ना अब आपके प्यार को आगे बढ़ाने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऑल द बेस्ट, और खुश रहिए अपने प्यार के साथ और जिसे भी आप प्यार करते हो। कभी भी, मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को धोखा मत दो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। किसी भी गलत फहमी में मत जाओ, पहले समझो जानो, सच्चाई तक पहुँचो, तभी अपने प्यार पर से भरोसा उठाना चाहिए। कभी भी ऐसे किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कोई सवाल लव से जुड़ा, रिश्ते से जुड़ा, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है खबर लहरिया @
gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।